हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स इवनिंग रैपअप। सो आज साल का आखिरी दिन था फॉर अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बिकॉज कैलेंडर ईयर 23 की ट्रेडिंग जो है वो क्लोज हो गई है। सो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं आईपीओ सेक्शन से, प्राइमरी मार्केट से। सो आज इनोवा कैपटैप का जो आईपीओ था वो लिस्टिंग हुई उसकी, हालांकि लिस्टिंग म्यूटेड रही। 448 के प्राइस को लेते हुए वो 456 पे लिस्ट हुई, तकरीबन 2% के आसपास का गेन रहा। बट आफ्टरवर्ड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए उस कंपनी की लिस्टिंग के अंदर में, 21% के पास में क्लोज हुआ है। इनोवा कैपटैप के आईपीओ को अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट दिखी थी, क्यूआईबी पोर्शन काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। और इनोवा कैपटैप के साथ जो साल का जो मेन बोर्ड पर लिस्टिंग होता है ये लास्ट लिस्टिंग थी, इसके साथ ही ये प्राइमरी मार्केट काफ़ी बजिंग रहा। ये साल 2023 प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा और नया साल भी एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ज़्यादा आईपीओज रहेंगे। ऑफरिंग्स काफ़ी ज़्यादा लाइंड अप है, जिस तरीके से हमने देखा ओए रूम्स ने डीआरएचपी फाइल करने की अपनी प्रोसेस में है, उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक जो है उसके भी आईपीओज, फर्स्ट क्राई के आईपीओ, ये सारे आईपीओज जो हैं अगले साल के लिए लाइंड अप हैं। अगर आज की मेजर प्राइमरी मार्केट अनाउंसमेंट को देखें तो वारी एनर्जी ने भी अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया है, तकरीबन 3,000 करोड़ का फंड रेज कर रहे हैं। और ये जो फंड रेजिंग होगी ये मिक्स्ड ऑफ ओएफएस और फ्रेश इशू होगा। वारी एनर्जी जो है वो ये फंड रेजिंग कर रही है पार्ट फाइनेंसिंग के लिए, 6 गीगावाट का उड़ीसा के अंदर में वेफर इनगोट वेफर सोलर सेल्स सोलर मॉड्यूल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेकर उन्होंने प्राइमरी इशू के लिए डीआरएचपी फाइल करी है। वारी एनर्जी जो है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पैनल मेकर है, जिसकी एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 12 गीगावाट्स की है। सो ये साल सेकेंडरी मार्केट के लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। अगर हम हेडलाइन इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी 50 ने तकरीबन 20% का रिटर्न जनरेट किया इन कैलेंडर ईयर 23। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर भी तकरीबन 19% का रिटर्न आया। और मिड कैप स्मॉल कैप ने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया इंडाइसेस के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो 45% का रिटर्न जो है वो आपको स्मॉल कैप इंडेक्स ने दिया एंड तकरीबन 40% का रिटर्न जो रहा वो मिड कैप इंडेक्स के अंदर में रहा। तो ओवरऑल मार्केट के हर सेगमेंट ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर को इन कैलेंडर ईयर 23। अगर हम इन पर्टिकुलर सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो रियल्टी और पीएसयू इंडेक्स जो है वो लार्जेस्ट गेनर रहे, तकरीबन 80% का गेन रहा उसके अंदर। मिड कैप इंडाइसेस ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स जनरेट किए, 46% के गेन के साथ मिड कैप इंडाइसेस क्लोज हुई। और साथ में स्मॉल कैप इंडेक्स के भी अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न डिलीवर हुआ, उसके अंदर 45% का रिटर्न मिला। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो रियल्टी एंड पीएसयू इंडाइसेस जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर रहे, तकरीबन 80% का गेन रहा इन इंडाइसेस के अंदर में। अगर हम इंडेक्स के स्टॉक्स की बात करें तो ऑब्वियसली लगभग सारे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, अदानी इंटरप्राइज एंड यूपीएल के शेयर्स को छोड़कर। टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो इंडेक्स का पहला निफ्टी का इस साल का पहला स्टॉक बना जिसने डबल रिटर्न्स दिए। अगर पॉलिसी फ्रंट पे चीज़ों की बात करें तो कल जिस तरीके से आरबीआई मीडिया में जो न्यूज़ रिपोर्ट्स थे कि आरबीआई ने क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज़ को लेकर कुछ बैंकों को, पर्टिकुलरली स्मॉल फाइनेंस बैंकों को अपने डायरेक्शंस दिए थे, तो उसके ऊपर आज आरबीआई की क्लैरिफिकेशन आई है। उन्होंने बोला है कि वो किसी बेंचमार्क रेशियो को का लेवल जो है वो प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं एंड अकॉर्डिंगली बैंक जो है अपने रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को मैनेज करते हैं। इसके अलावा शुगर सेक्टर के लिए भी का एक न्यूज़ रहा जिसके अंदर सी हैवी मोलासेस से बने हुए इथेनॉल के प्राइसिंग को भी रिवाइज़ किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो प्राइसेस रिवाइज हुए जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट्स हैं वो 56.28 रुपीज़ पे पर लीटर रिवाइज़ किया गया फ्रॉम द प्रीवियस प्राइस। और बी हैवी मोलासेस से बने हुए इथेनॉल के ऊपर कुछ दिनों के अंदर में उसके ऊपर भी रिवाइज प्राइसिंग आ जाएगी जिस तरीके से मीडिया में ये रिपोर्ट्स पब्लिश हुए। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज कोर इंडस्ट्री ग्रोथ का भी डेटा रिलीज़ हुआ, ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट मैक्रो डेटा पॉइंट्स होता है। सो नवंबर का जो ग्रोथ रहा वो 7.8% रहा वर्सेस 12% लास्ट मंथ। सो वहाँ पे कई सेक्टर्स के अंदर में थोड़ी कूल ऑफ देखी गई कोर सेक्टर्स के अंदर में, वेदर इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कोल, पेट्रोकेमिकल्स। सो ओवरऑल ये साल काफ़ी अच्छा रहा इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए लगभग कई सेक्टर्स ने, हालांकि कुछ सेक्टर्स के अंदर में अंडर परफॉर्मेंस रही जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर ने ये साल, पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। तो आज की हमारी इवनिंग राउंडअप में ये सारी चीज़ें थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।